झारखंड विधानसभा निर्वाचन निर्वाचनी प्रचारे बोकारो एयरपोर्टे पहुंचे गिएछिलेन राज्यर बिरोधी दलनेता शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी नेताकर्मीरा उष्ण अभ्यर्थना दें शुभेंदु अधिकारी के। अभ्यर्थना ग्रहणेर पर सांबादिकदेर मुखोमुखी हन बिरोधी दलनेता शुभेंदु अधिकारी। तिनि बोलेन, से कितनी उम्मीद है? अरे बराबर में रखेंगे आईडिया। परिवर्तन इस बार तैयार है। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जमशेदपुर का रैली हुआ, उसका बाद अमित शाह जी का रैली हुआ, पूरा माहौल बीजेपी का पक्ष में है और परिवर्तन का पक्ष में है। इसलिए जो जेएमएम का पुराना लीडर है चंपाई सोरेन जी, उन्होंने भी भाजपा का दामन उन्होंने स्वीकार कर लिया। पूरा माहौल पक्ष में है, इंडिजोट के खिलाफ है, और जो हम तो अनडिवाइडेड बंगाल है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सब उड़ीसा, हम सब एक साथ ही थे। इसलिए हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा रिलीजियस परफॉर्म, हमारा ड्रेस सब बराबर है। इसलिए जो कठिनाई आसाम में चल रहा है, घुसपैठिया, रोहिंगा, खास करके बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है, यहाँ बंगाल में भी हम लोग झेल रहा है, झारखंड बर्बाद होने वाला है, ये आएगा तो इंडिजोट, यहाँ राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और हमारी जनजाति आदिवासी मूलवासी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए झारखंड को देश का साथ जोड़ने के और भी मजबूती के साथ देश का साथ जोड़ने के लिए और भारतीय संस्कृति और हमारी जनजाति का जो संस्कृति है, कल्चरल जो है, इसको रक्षा करने के लिए हम सब एक साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार भाजपा का सरकार लाएगा। और मैं बंगाल विधानसभा का प्रतिपक्ष हूँ, अमर जी झारखंड का नेता प्रतिपक्ष है, हमारा दोनों का एक ही लक्ष्य है, पहले झारखंड, उसका बाद बंगाल। तो क्या लग रहा है कि बंगाल होके ही घुसपैठिए आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि बंगाल होके ही तो बांग्लादेश का सीमा मिल रहा है? बंगाल में 72 प्लेस है जहां ममता बनर्जी की सरकार लैंड प्रोवाइड नहीं किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। साल 22 में ऑनरेबल एचएम खुद 99 सेक्रेटरिएट में आया, मीटिंग हुआ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल को लेकर। उन्होंने ममता जी को रिक्वेस्ट किया, बार बार एमएचए से लेटर भेजा, ये आप 72 प्लेस में जमीन हमको दीजिए, हमको बार बार फेंसिंग कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो देश को लिए एक खतरा हो रहा है। ममता बनर्जी ने लैंड प्रोवाइड नहीं किया अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए, और जो एपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति चल रहा है बंगाल में, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट, एक टाउन है इंग्लिश बाजार मालदा जिला में, हमारा झारखंड का सटा हुआ एरिया है मुर्शिदाबाद मालदा भी, वहाँ इस बार दुर्गा पूजा का जो गेट और एडवर्टाइजमेंट और लाइटनिंग का गेट वहाँ का पुलिस रोक दिया है, इसीलिए बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर पा रही है क्या बांग्लादेशी घुसपैठ? हाँ, जमीन नहीं दे रहा है, अनमेंड है, अनमेंड है 72 प्लेसेस जहां से हिफाजत जमात हिफाजत और रोहिंगा सब घुस रहा है बंगाल में। अभी आबादी वो लोग का हो गया है 35%। एक तरफ विपक्ष जो है, ये मान लीजिए हमारी हिंदू के लिए ये शेष चुनाव है, बीजेपी बीजेपी तो रहेगा, बीजेपी तो है रहेगा, लेकिन देश में रहेगा 100 साल रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार, लेकिन हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसको रक्षा करने के लिए यहाँ भाजपा का डबल इंजन का सरकार लाना चाहिए, नहीं तो हमारी राष्ट्रहित, देश की संस्कृति और खास करके हिंदू समाज और जनजाति को सबसे बड़ा खतरा है। अभी बारिश हुई थी, सरकार को कहा जा रहा है बाहर के नेता मंडराने लगे झारखंड में, कौन बाहर का नेता, मतलब बीजेपी में जो हम सब भारतीय है,
सर, सब भर्ती है। अभी अभी जो है ये सोच बदलना चाहिए सर। अभी बारिश, ममता बनर्जी सोच रही है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पश्चिम बंगाल का, बंगाल ये भी सोचना शुरू कर दिया। इतना दिन जेल में था भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति लगना चाहिए, भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर, और ये कांग्रेस का राज्यसभा का मेंबर का घर से 350 करोड़ निकला यहाँ से, ये पूरा इंडिजोट यहाँ है भ्रष्टाचारी सर। अभी इसको उखाड़ फेंकने का काम झारखंड का लोग करेगा। मैं यहाँ आया आया नहीं, एक मास तक काम करूंगा, नेता के रूप में नहीं, ये छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। यहाँ 90 लाख बंगाली स्पीकिंग है, उसका 90% वोट कमल के निशान पर पड़ेगा। हमारा त्रिपुरा का चुनाव हुआ, बंगाली समाज ने पूरा बीजेपी को सेकेंड टाइम चुनाव जिताया। छत्तीसगढ़ में माना कैंप से लेकर दांतेवाड़ा तक मैं कैंपेनिंग में था, 11 सीट में हुआ, बंगाली बहुल है, रिफ्यूजी बंगाली, सब बंगाली हुआ नारादा, आर उद्वास तो हबो ना मोदी जी के छाड़बो ना। अच्छा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन का। আপনারা দেখছেন ইউএন লাইভ, বাংলা খবরের শেষ কথা।